18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, क्या बदल देंगे सरकार? व्यापम का जिन, क्या सत्ता लेगा चीन? महालोक घोटाला, कारम डैम घोटाला, इसने कितना असर डाला? ओबीसी आरक्षण, ओल्ड पेंशन, शिवराज की कितनी बड़ी टेंशन? मामा की लाडली बहना का इस बार क्या है कहना? सनातन पर आर पार 90%, किसके साथ? कांग्रेस में कपड़ा फाड़ लड़ाई, बीजेपी में कौन करेगा अगुवाई? कुर्सी की लड़ाई तंत्र मंत्र पर आई, एमपी को इस बार कौन सी पार्टी भाई? 30 दिन बाद चुनाव है, इसके पहले ही रुझान आ गया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है मैच बहुत कांटे का चल रहा है, कहीं कमल खिल रहा है, कहीं पंजा चल रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? सर्वे की रिपोर्ट बताने से पहले ये खबर आई है कि कुर्सी की लड़ाई अब तंत्र मंत्र पर आ गई है। एमपी के अखबारों में छपी खबरों में दावा किया गया है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट पर विशेष अनुष्ठान किया गया। बकायदा अनुष्ठान के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें कमलनाथ की तस्वीर को सामने रखकर नवरात्र के दौरान रात के अंधेरे में तांत्रिक अनुष्ठान किया जा रहा है। उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट में 6 तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं। शाबर मंत्र के साथ ये अनुष्ठान किया जा रहा है। जब से ये खबर आई है मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस पर बहुत कुछ कह रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता को विश्वास, जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, क्या इससे भला होगा देश का, प्रदेश का, प्रदेश की जनता का? अरे पूजा होती है तो सात्विक पूजा करो ना। आज पानी नहीं गिर रहा था तो हम भी महाकाल महाराज के दरबार में गए, उनसे प्रार्थना की, लेकिन मुझे तकलीफ होती, आश्चर्य होता है। तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसे नहीं है, जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया है कांग्रेस ने, योजनाएं बंद करने का। कमलनाथ और दिग्विजय के बीच हुई कुर्ताफाड़ जुबानी जंग के बाद बीजेपी के हौसले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के जो अंदर खाने तक की बात थी, वो पहली बार खुलकर मंच पर आ गई। शिवराज हो या सिंधिया हो, बीजेपी का हर नेता यही कह रहा है, जब घर नहीं संभल रहा तो प्रदेश क्या संभालेंगे। मित्रों, कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है, कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है। कौन किसका कुर्ता फाड़े, आज कांग्रेस में बहस ये चल रही है, किसने किसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, कांग्रेस की बहस ये है। और इसलिए कांग्रेस के नेता अब शमशान घाटों में तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एमपी के दिल में क्या चल रहा है? इंडिया टीवी सीनेक्स का सर्वे क्या कह रहा है? एमपी की 6 रीजन में इंडिया टीवी सीनेक्स के ओपिनियन पोल ने एमपी को 6 रीजन में बांटा, जिसमें मालवा, निमाड़, बघेलखंड, भोपाल, चंबल और महाकौशल आते हैं। और वहाँ से इंडिया टीवी सीनेक्स की क्या रिपोर्ट आई है? सबसे पहले बात मालवा रीजन की, जहाँ 46 सीट आती है, वहाँ की हवा किस ओर है? नजर दौड़ा रखिएगा, ये 46 सीटें उनमें से बता रहा है सर्वे कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये 2018 की तुलना में बीजेपी के लिए +1 है, यानी बीजेपी यहां पिछली बार से भी बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान, 20 सीटें कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में जीत सकती है, अन्य 1 सीट पर जीत सकते हैं। तो ये पहला जो हमने आपके सामने रीजन रखा मालवा का,
महत्वपूर्ण क्षेत्र 46 सीटों वाला, इसमें अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। कुल 230 सीटों का सर्वे आपके सामने खुल जाएगा आपसे थोड़ी देर के बाद। मालवा से शुरुआत हो गई है 46 सीटों से, बीजेपी 25, कांग्रेस पार्टी 20। कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है 2018 की तुलना में आप देखें तो। मालवा रीजन में ही महाकाल की नगरी उज्जैन आती है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और खान पान के लिए मशहूर इंदौर भी इसी मालवा में है। नेताओं के लिहाज से देखें तो बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहां के बड़े नेता हैं, जिन्हें खुद भी इस बार इंदौर एक सीट से उतारा गया है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी इसी मालवा क्षेत्र से आते हैं। मालवा से बीजेपी को एक सीट का फायदा दिख रहा है, लेकिन निमाड़ में क्या हो रहा है? 28 विधानसभा सीट निमाड़ से आती है। कहा तो ये जाता है जो मालवा और निमाड़ जीत जाता है, राज तिलक उसी पार्टी का होता है। भारतीय जनता पार्टी इन 28 में से 12 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 15 सीटें जीत सकती है अपर हैंड कांग्रेस का, और एक सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर आपको बता दें 18 की अगर आप तुलना करेंगे तो पॉजिटिव है बीजेपी के लिए। बीजेपी 4 सीट बढ़ा रही है 2018 की तुलना में निमाड़ क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का नुकसान और अन्य को 1 सीट का नुकसान, यानी कांग्रेस और अन्य की जो 4 सीटें कम हो रही हैं वो बीजेपी के खाते में जाकर के जुड़ रही हैं। तो मालवा बीजेपी ऊपर, निमाड़ में भी बीजेपी बेहतर कर रही है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ जबरदस्त बढ़त बनाई थी, प्रदेश में उसकी सरकार भी बनी थी। कांग्रेस के लिए अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया निमाड़ रीजन के बड़े नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान के वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी इसी रीजन से आते हैं। इंडिया टीवी सीनेक्स के सर्वे में मालवा निमाड़ में तो बीजेपी को फायदा दिख रहा है। सवाल ये है कि ओपिनियन पोल ऐसा क्यों बता रहा है? कौन सा मुद्दा शिवराज के फेवर में चल रहा है? जैसे बेरोजगारी, विकास, महंगाई, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, या किसी कोई व्यक्ति को कह सकता है कि मैं, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा क्या मुद्दा होना चाहिए, वो सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने मत दिया अपना, वो था बेरोजगारी। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी है हमारे लिए सबसे बड़ी बात। कांग्रेस का दावा है कि 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। कमलनाथ जहां जा रहे हैं बेरोजगार भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा शिवराज सिंह को नुकसान पहुंचा रहा है? सर्वे का मीटर क्या कह रहा है? 15 महीने का गैप आ गया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, नहीं तो आप 2005 से लेकर के अब 2023 तक अनवरत निरंतर शासन रहा शिवराज सिंह चौहान का। तो देखिए, इतने लंबे काल के बावजूद 47% लोग कहते हैं शानदार काम है शिवराज सिंह चौहान का, 47%, और ये तो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि भाई अगर 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगभग आधी आबादी आपको मानती है कि आपने शानदार काम किया है। 12% लोग कहते हैं औसत काम था शिवराज सिंह चौहान का, उनकी सरकार का, और खराब काम किया शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस पूरे कार्यकाल में, ऐसा कहने वाले 41% लोग हैं। लेकिन इसमें अगर आप जो शानदार कह रहे हैं और जो एवरेज कह रहे हैं कि काम ठीक ठाक था, उनकी तुलना अगर आप कर उनको जोड़ दें तो ये 60% के ऊपर जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। मतलब शिवराज का जलवा ओवरऑल बरकरार है। जो सवाल कांग्रेस और कमलनाथ उठा रहे हैं, क्या वो गलत है या शिवराज ने कोई जादू चल दिया है? लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डाला जाना था, उससे शुरुआत हुई थी, वो बढ़ते बढ़ते अब 1,250 रुपया हो चुका है और ये आगे बढ़कर के 3,000 रुपये तक जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जून महीने से इसी वर्ष के पैसा आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया है, वो भी वादे पर है कि अगर सरकार बनेगी तो हम डालेंगे, शिवराज सिंह चौहान डाल रहे हैं। 47% लोग कहते हैं लाडली बहना योजना शानदार स्कीम है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो रहा है। 13% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होगा। 37% लोगों को लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 3% लोगों की इस पर राय नहीं है। सर्वे बता रहा है कि शिवराज की लाडली बहना योजना का कमाल चारों तरफ दिख रहा है। योजनाएं और गारंटी बीजेपी कांग्रेस दोनों दे रहे हैं, लेकिन एमपी को यकीन किस पर है, उसका भी आंकड़ा इस सर्वे में आया है। जनता किसकी गारंटी पर भरोसा कर रही है, ये देखिए उस सवाल का आपके सामने रिजल्ट है। 44% लोग कहते हैं हमें बीजेपी के वादे पर भरोसा है, 42% लोग कहते हैं हमें कांग्रेस पार्टी के वादे पर भरोसा है। बहुत गैप नहीं छोड़ा है इसमें। बीजेपी के लिए ओपिनियन पोल में बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। मामला बॉर्डर का है, लेकिन क्या चौथी बार सरकार बनाने लायक हालात बन रहे हैं?
बघेलखंड बुंदेलखंड की 51 सीटों के बारे में कहा जाता है जिसको इस इलाके में एज मिल गया उसको नतीजों में भी एज मिल जाता है। 51 सीटें बघेलखंड और बुंदेलखंड की। ये देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है एक बार फिर। 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई हमें दिखाई देती है, यानी इन 51 में से 31 बीजेपी जीत सकती है और ये पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के लिए नुकसान है, 4 सीटों का नुकसान है। यहाँ पर बीजेपी ने 2018 में इन 51 सीटों में और बेहतर किया था। 4 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है 2018 की तुलना में बघेलखंड बुंदेलखंड में। कांग्रेस पार्टी को सीधे 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 पर कांग्रेस पार्टी की टैली इस रीजन में जाकर रुक सकती है, अन्य को 1, ये भी 1 का नुकसान है। पहले 2 थे, इस बार 1 हो सकते हैं। तो बड़ा साफ है बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुनाफे वाला क्षेत्र रहा है, पहले भी आज भी है, लेकिन बीजेपी यहां अपना एज जो है वो 2018 की तुलना में लूज करती दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर थोड़ी पिछड़ रही है 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी वो काफी आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से। 31 भाजपा, 19 कांग्रेस, 1 अन्य और बघेलखंड की, कुल 51 सीटों का सर्वे ये था। अब जरा टॉप टैली पर नजर डालिए, 125 सीटें, 230 में से 125 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की, उसका सर्वे हमने आपके सामने रखा है। 68 पर भारतीय जनता पार्टी, 54 पर कांग्रेस पार्टी। ओपिनियन पोल में अगर बीजेपी को यहां नुकसान हो रहा है तो ये बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि इस इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है। बुंदेलखंड बघेलखंड के इस इलाके में दलित और ओबीसी वोट बहुत मैटर करता है, तो क्या मध्य प्रदेश चुनाव में वोटर ओबीसी जाति जनगणना को भी ध्यान में रखकर वोट करने के मूड में है। 65% लोगों ने ये कहा है हाँ ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये सवाल ओबीसी समुदाय के रिस्पोंडेंट्स के लिए ही था, उनके बीच में ये सवाल पूछा गया था। तो ओबीसी समुदाय में 65% लोग मानते हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय के बीच में से निकली आवाज है। 21% ओबीसी समाज के लोगों ने कहा कि नहीं जातिगत जनगणना कोई हमारे लिए विशेष मुद्दा नहीं है और 14% ने इस पर अपनी राय नहीं रखी। जाति जनगणना के फेवर में तो मध्य प्रदेश है, शायद इसीलिए अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि बीजेपी को यहां पछाड़ा जा सकता है। लेकिन जब बघेलखंड की बिजावर सीट सपा को नहीं मिली तो अखिलेश को गुस्सा आ गया। अखिलेश ने इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर ही सवाल खड़े कर दिए। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां कहां जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे, पूरी चर्चा हुई। और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, तो और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ इंडिया टीवी सीरियस के सर्वे में भोपाल से क्या रिपोर्ट मिली है। भोपाल डिवीजन मध्य प्रदेश का राजधानी क्षेत्र है। भोपाल, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनता है भोपाल डिवीजन। यहाँ विधानसभा की 24 सीट है, मगर बीजेपी का मुकाबला राघोगढ़ के राजा साहब दिग्विजय सिंह से ही होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट भी इसी भोपाल रीजन में पड़ती है। भोपाल कौन जीतेगा, शिवराज भारी पड़ेंगे या दिग्विजय का विजय रथ चलेगा। भोपाल की 24 सीटें देखिए आपकी स्क्रीन पर। भोपाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव
माना जाता है। 16 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और ये पिछली बार की तुलना से एक सीट ज्यादा है। पिछली बार 15 सीटें जीती थी, इस बार 16 जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें निकाल सकती है भोपाल रीजन में और ये एक सीट का नुकसान होगा और कोई प्लेयर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। 16 भाजपा, कांग्रेस 8। मैंने आपको पहले भी बताया कि भोपाल क्यों इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान बुद्धि से चुनाव लड़ते हैं, वो भोपाल क्षेत्र के अंदर आता है। दिग्विजय सिंह के बेटे, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, बेटे जयवर्धन सिंह, सब इसी एरिया से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बीजेपी में भी चिंतन मंथन किया गया, जिसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट दिया गया। क्या ये दांव काम कर गया? 53% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा 37% लोग मानते हैं। 10% लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये जो बीजेपी ने कार्ड चला केंद्र के मंत्री और सांसदों को लड़ाने का, इससे भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन चंबल में बीजेपी अभी भी पीछे है कांग्रेस से, लेकिन 18 की तुलना में बेहतर, ये क्या संकेत है? सर्वे तो कह रहा है कि फर्क पड़ रहा है, लेकिन चंबल रीजन क्या कह रहा है? जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का टिकट मिला है, ग्वालियर रियासत से राजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ये सारे दिग्गज इसी रीजन से आते हैं। मध्य प्रदेश का चंबल कभी डाकुओं के लिए बदनाम रहा, अब मध्य प्रदेश की राजनीति का गढ़ है। चंबल में विधानसभा की 34 सीटें हैं, यहां किसका पलड़ा भारी है वो देखते हैं। भाजपा 12 सीटें देखिए यहां पर जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 22 सीटें निकाल सकती है। इसमें की बात यह है कि कौन पिछली बार से बेहतर कर रहा है और कौन खराब। बीजेपी 5 सीटें जोड़ रही है, बीजेपी 5 सीटें 2018 से बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। चंबल रीजन में महाकौशल की 47 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार से थोड़ा नुकसान दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल सर्वे कह रहा है इस बार तो मध्य प्रदेश में कमल खिल रहा है। 230 सीटों की विधानसभा है, 115 भारतीय जनता पार्टी, हाफ पे मार्क, बिल्कुल जो हाफ पे मार्क है, आधा आंकड़ा विधानसभा का, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी से आगे 110 पर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जाकर रुकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अभी तक की टैली जो इस ओपिनियन पोल में निकल करके आई है, सरकार बनाने के, अपने दम पर सरकार बनाने के, भारतीय जनता पार्टी बेहद बेहद नजदीक है। 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 115 सीटें आज की स्थिति में बीजेपी जीत सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। 2003 से लगातार चल रही सरकार होने के बावजूद 15 महीने का वक्त कांग्रेस पार्टी को मिला था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उनके काम को भी लोगों ने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने 110 पर जाकर इस वक्त ठहरती हुई दिखाई दे रही, लगभग रिवर्स है अगर आप इसको देखें स्थिति।